क्लाइमेट न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। आगरा में वांछित इनामी गैंगस्टर आदि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी है तो पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त सैया के पर्यवेक्षण में थाना सैया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शुक्रवार को थाना सैया पुलिस क्षेत्र में गश्त की जा रही थी, इसी दौरान एसओजी प्रभारी और सैया पुलिस ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित को सैया तराए पर चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। आपको बता दें कि सैया थाने पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 के इनामी वांछित अभियुक्त को संयुक्त टीम ने सैया चौराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट आगरा में वांछित अपराधियों और पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया है। इसी क्रम में एसओजी प्रभारी तथा थानाध्यक्ष सैया के नेतृत्व में जो टीम लगाई गई थी उसके द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2023 की रात में सूचना मिलने पर एक गैंगस्टर एक्ट में वांछित और 10,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम नरेश है। ये डौकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा थाना सैया में इसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 अभियोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये वांछित अभियुक्त था जिसपे 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, जिसको गिरफ्तार करने में पूरी टीम को सफलता मिली है। इसको गिरफ्तारी के पश्चात आज दिनांक 6 जनवरी को विधिक कार्रवाई की जा रही है।